बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। e-madrasa.com के एक नए ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम है फिज़ा आसिफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स में हम जो है वो होम रिबन्स के ऑप्शन को स्टडी कर चुके हैं, जिनमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग के ऑप्शन हैं। इनका इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो हम जो है वो आज नेक्स्ट रिबन की तरफ जाएंगे, जो है इंसर्ट। इंसर्ट के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो पेजेस का ऑप्शन है। मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप हमारी वेबसाइट का विज़िट कीजिए, जो है e-madrasa.com, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर ना सिर्फ वर्ड के ट्यूटोरियल मौजूद हैं बल्कि एक्सेल के ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं, फ़ोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पावर पॉइंट के कोर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपको इस चैनल के थ्रू बहुत हेल्प मिल सकती है, कंप्यूटर की बहुत सी टिप्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस पे भी प्रेस कीजिए, तो आपको जो है वो नए ट्यूटोरियल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। उसके अलावा ईमेल के ज़रिए भी आपको नए आने वाले लेसन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो ये सब सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विज़िट कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे मालूमाती जो ट्यूटोरियल हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर मैसेज कीजिए। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/emadrasa, youtube.com/emadrasa। सो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है इंसर्ट का। मैं आपको बताती चलूं फिर से कि हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के ऑप्शन को स्टडी कर चुके हैं और ये तमाम ट्यूटोरियल जो है वो e-madrasa के चैनल पर मौजूद हैं। सो हमारे पास पेजेस में तीन ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का। सबसे पहले कवर पेज के बारे में हम स्टडी करते हैं। कवर पेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है या आपकी कोई असाइनमेंट है जिसमें आपको कवर पेज जो है वो उसका जो फ्रंट पेज है उसे डिज़ाइन करना है। सो उसमें आपके पास कवर पेज का ऑप्शन जो है वो बहुत ईजी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्ड में हमारे पास ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम कवर पेज जो है वो बना सकते हैं। कवर पेज आप ख़ुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। कवर पेज किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी, लेकिन इसमें मैं आपको टेम्पलेट्स के थ्रू जो है वो बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कवर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई इस्लामिक बुक मौजूद है तो आप देखेंगे कि उसके कवर पर मस्जिद बनी होगी, या अगर कंप्यूटर के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन वाली बुक आपके पास है उस पर ऑफकोर्स कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं वो बनी होगी, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस टाइप की चीज़ें, जिनके ज़रिए आप ये जान सकते हैं, आपको एक क्लू मिलता है कि इस बुक के अंदर जो है वो ये चीज़ें मौजूद हैं। सो आपका जो कवर पेज होता है वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जब आपने किसी को अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है या आपने कोई बुक टाइप की है, आप उसको एक अच्छा सा जो है वो फ्रंट पेज देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद जो डेटा है उसको डिफाइन करेगा। सो उस हवाले से जो है आप अपना कवर पेज क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पर सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ टेक्स्ट मौजूद हैं और कुछ जो है वो विद इमेजेस मौजूद हैं। मैं यहाँ से अगर इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इस पिक्चर को चेंज कर देते हैं तो हम इसे डिलीट करेंगे और अपनी पिक्चर इंसर्ट करेंगे। यहाँ से मैंने जो है वो फ़ोटोशॉप ब्लैक बेल्ट की डीवीडी का जो कवर पेज है उसको ऐड किया है। फ़ोटोशॉप की डीवीडी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ़ोटोशॉप की जो डीवीडी है उसे बाय करने में तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे वेबसाइट से या हमारे जो फेसबुक का पेज है उस पर से ले सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल में मैं टाइप कर देती हूँ जी अडोबी फ़ोटोशॉप एंड डॉक्यूमेंट सबटाइटल में हम
टाइप कर देते हैं Adobe Photoshop CS3, क्योंकि ये CS3 का मुकम्मल कोर्स है। यहाँ पर जो है हम DVD के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। अगर आप इस DVD को ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है वो रابطہ कर सकते हैं 0332587017। वेल, इसके बाद हम यहाँ पर आसिम जावेद जो है वो नाम आ गया है, बिकॉज DVD जो है वो उन्होंने बनाई हुई है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आर्थर के तौर पर जो है वो आसिम जावेद का नाम टाइप करते हैं, और कोर्स में हम जो है वो Adobe Photoshop DVD टाइप कर देते हैं। ओके, सो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के ये फ़ोटोशॉप के मुतालिक, DVD के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन के अबाउट जो है वो एक डॉक्यूमेंट रेडी है। तो उसके कवर पेज पर जो है हमने एक पिक्चर जो है वो क्रिएट की है, उसके हवाले से थोड़ा सा हमने डिफ़ाइन किया है, और कोर्स के मुतालिक हमने बताया है कि ये कोर्स जो है ये किस बारे में है। सो देखते ही आइडिया हो जाएगा कि ये एक DVD है जो कि Adobe Photoshop के मुतालिक है। यहाँ पर Adobe Photoshop के ये टूल्स की जो है वो एक पिक्चर मौजूद है। इसी तरह मैं एक और ब्लैंक पेज लेती हूँ, और यहाँ से हम दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर कोई एक और जो है वो चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक जो कवर पेज है उसको सिलेक्ट करते हैं। ये इसकी सेटिंग्स इस तरह से है कि आप यहाँ पर कोई इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं। टाइटल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ आसिम वर्ड्स फिज़ा। सब टाइटल में हम कोई कोटेशन जो है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेट का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ से क्लिक करके जो भी डेट आपने उस वेडिंग की देनी है, हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल January 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी नेम में हम ई मदरसा टाइप कर लेते हैं, और कंपनी एड्रेस में हम emadrasa.com टाइप कर लेते हैं। सो ये बहुत इजी और सिंपल से टेम्पलेट्स हैं। आपने जस्ट इन्हें अप्लाई करके इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा फीड करना है, और आपका जो है एक खूबसूरत इमेज जो है, एक खूबसूरत कवर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। सो जिस तरह भी आप चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको मज़ीद जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपने जो है वो कवर पेज को जो है वो क्रिएट करना है। एंड फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पर मज़ीद कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, और अब हमें इन दोनों पेपर्स के बीच में एक ब्लैंक पेपर जो है वो दरकार है, एक खाली पेज जो है हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से सिंपली ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इन दोनों पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया है। सो आप अगेन अगर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा। जितने भी ब्लैंक पेज क्रिएट करना चाहते हैं आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने जिस तरह इस पेज पे टाइप किया है, और अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके इस पेज पे हमें इतनी ही टाइपिंग करनी थी, और अब हमें इस पेज को ख़त्म करके नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो उसके लिए आप एंटर 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 प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो इसके लिए एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एंड हुआ है और हम नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं, तो पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम एक क्लिक में नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप कवर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप ब्लैंक पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल पर मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि हम किस तरीके से एक साथ जो है वो ब्लैंक पेपर्स ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक या दो या तीन या जितने भी पेजेस आप डॉक्यूमेंट के बीच में चाहते हैं आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो ज्वाइन अस ऑन emadrasa.com। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/emadrasa। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हमारा फेसबुक का एड्रेस है facebook.com/emadrasa। और इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट करूँ, क्योंकि अब ऑफिस 2016 के बाद ऑफिस 365 भी आ चुका है न्यू वर्जन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि वर्ड का जो है वो न्यू वर्जन आ चुका है जो कि ऑफिस 365 के नाम से है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।